नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में जो आज ही जारी हुए हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो हैं स्टैंड अलोन आंकड़े दिए गए हैं लाख में। सबसे पहले हम रिजल्ट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे लास्ट में जो कॉलम है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, सेकंड नंबर पर जो कॉलम है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट। बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम की। तो मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 910 लाख की, दिसंबर 20 क्वार्टर में ये इनकम हुई 12 लाख की, और मार्च 21 क्वार्टर में इनकम रही 11 लाख की। तो मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें इनकम में काफ़ी ज़्यादा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। रहे 1076 लाख के, दिसंबर 20 क्वार्टर में ये 179 लाख के हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 211 लाख के। तो मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में हमें इनकम में कमी होती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपेंसेस भी घटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेवन्थ नंबर पॉइंट प्रॉफिट एवरेज लॉस बिफोर टैक्स। तो मार्च 20 क्वार्टर में 35,232 लाख के लॉस रहे, दिसंबर 20 क्वार्टर में 167 लाख के लॉस हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 200 लाख के लॉस रहे। तो मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखें तो हमें लॉस बिफोर टैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो लॉस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ हमें लॉस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेट लॉस को यानी कि नाइन्थ नंबर पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर लॉस आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो मार्च 20 क्वार्टर में 35,232 लाख के लॉस थे, दिसंबर 20 क्वार्टर में 167 लाख के लॉस हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में 200 लाख के लॉस रहे। तो मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखें तो हमें लॉस में काफ़ी ज़्यादा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें लॉस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हैं, कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट हैं उसमें जो लॉस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।